वेलकम टू क्लास। आई विल डिस्कस अबाउट हाइस। आज हम लोग बात करेंगे बेंच हाइस के बारे में कि बेंच हाइस होता क्या है। हाइस सबसे पहले जानेंगे हाइस क्या होता है। हाइस जॉब होल्डिंग टूल्स है। जॉब होल्डिंग टूल्स कहने का मतलब कि यदि हम कोई कार्य परफॉर्म कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, हम किसी वर्क पीस पे अगर कोई वर्क कर रहे हैं, उसको जो पकड़ने का काम करता है उसको हम कहते हैं हाइस, यानी जॉब होल्डिंग टूल्स है। वो जो किसी भी जॉब को मजबूती से पकड़ रखता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं, जैसे फाइलिंग, कटिंग, हैक्सॉइंग, डाइंग, इन सब कार्य में, या प्लानिंग या फिनिशिंग, तो ये होता क्या है कि हाइस का जनरली काम होता है कि कोई भी चीज वर्क पीस है जिस पर हम फाइलिंग कर रहे हो या कटिंग कर रहे हो या हैक्सॉइंग कर रहे हो या डाइंग कर रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो या फिनिशिंग कर रहे हो, इसमें ये हाइस मजबूती से पकड़ता है। अब आप ये जो फिगर देख रहे हैं ये हाइस का है। हाइस जनरली हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप में। हाइस के भी डिफरेंट टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आज हम लोग चर्चा करेंगे बेंच हाइस के बारे में। हाइस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप एक बार देखिएगा जैसे टाइप्स ऑफ हाइस में आता है, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के हाइस हैं, जैसे बेंच हाइस, मशीन हाइस, लेग हाइस, इत्यादि। डिफरेंट टाइप्स के हाइस हैं। पर इन रिक्वायरमेंट हमको जहां कहीं भी वर्क करना पड़ता है, अगर हमको मशीन पे काम करना है तो किसी वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, मजबूती से पकड़ने के लिए जिस चीज का उपयोग करते हैं उसे हम हाइस कहते हैं। मशीन पर काम करने के लिए उसको हम बेंच हाइस कहते हैं, मशीन हाइस कहते हैं। बेंच पर वर्क कर रहे हैं, किसी चीज को, किसी वर्कपीस को अगर पकड़ रहे हैं उसके लिए बेंच हाइस है। अगर पैर से काम कर रहे हैं, लेग हाइस है। डिफरेंट टाइप्स के हाइस होते हैं। आज हम लोग जो फिगर ये देख रहे हैं ये बेंच हाइस है। हाइस जनरली, तो ये बेंच हाइस के बारे में हम बताना चाहेंगे। ये जो है इसके पार्ट जानेंगे। डियर फ्रेंड्स, इसके पार्ट ये होता है, ये जो होता है ये है मूवेबल जॉब। इसको जॉब बोलते हैं मूवेबल जॉब, ठीक है। इसमें दो जॉब होते हैं, ये मूवेबल जॉब और ये फिक्स जॉब होता है। तो ये है फिक्स जॉब। अब ये जो है इसके बीच जो प्लेट्स लगा हुआ है ये है जॉब प्लेट। ये जो देते हैं इसको हम बोलते हैं स्पिंडल, और ये जो है इसको हम कहते हैं हैंडल, जिसे हम माध्यम। बाकी ये जो है इसको बेस बोला जाता है, ठीक है। और ये होल को क्लैंपिंग के लिए है, होल को क्लैंपिंग के लिए। देखें, आपने पार्ट्स के बारे में जाना है कि किसी भी हाइस में, बेंच हाइस में पार्ट्स क्या होता है। ये सेटअप है, जब ये हैंडल हम घुमाते हैं तो ये सेटअप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये आगे या पीछे आता है, तो ये मूवेबल जॉब होता है। इसको और इसको जॉब बोलते हैं, ये मूवेबल जॉब होता है। ये हमेशा फिक्स होता है, इसको हम फिक्स जॉब बोलते हैं। ये जो लगाया गया, क्रॉस क्रॉस किया गया है, ये जॉब प्लेट है। बाकी ये जो है इसी हैंडल को हम घुमाते हैं, और किसी भी वर्क पीस को हैंडल को घुमाने से ये एडजस्ट हो जाता है वर्क पीस में और मजबूती से पकड़ता है। ये बेस है, इस बेस पे हम किसी भी चीज को क्लैंप कर पाते हैं। जैसे बेंच है तो बेंच पे इसको रखकर क्लैंप करते हैं। अब जैसे फिक्स जो और मूवेबल जो है, डियर फ्रेंड, ये कास्ट आयरन का बना होता है। ये सब बना किस चीज का होता है, तो जो जॉन है वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। आप जनरली भलवा लोहा जानते होंगे, उसके बने होते हैं। उसके बाद ये जो है जॉब प्लेट हमें हाई कार्बन स्टील का बना होता है। बाकी ये जो स्पिंडल और हैंडल देखते हैं, स्पिंडल और हैंडल जो है ये माइल्ड स्टील का बना होता है।
तो यही एक ओवरव्यू रिव्यू है जो बेंच वाइज के बारे में एक बार फिर से देखेंगे। बेंच वाइज होता क्या है? बेंच वाइज एक प्रकार से आप कह सकते हैं कोई भी वर्क पीस है उसको मजबूती से पकड़ने का काम करता है, जॉब वर्किंग टूल्स है। जैसे कि जनरली हम वर्कशॉप में हम लोग करते हैं किसी भी वर्क पीस पर फाइलिंग, कटिंग, हैक्सोइंग, डाइंग या प्लानिंग करते हैं तो उसको मजबूती से पकड़ने के लिए एक वाइस यूज होता है, एक टूल्स यूज होता है, उसी को हम बेंच वाइस बोलते हैं या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसके डिफरेंट टाइप होते हैं, बेंच वाइस, मशीन वाइस, लेग वाइस, अदर्स बहुत सारे टाइप्स हैं। बेंच वाइस में ये जो जॉब होता है जिसको हम जॉब बोलते हैं, ये जो मूव करता है इसको मूवेबल जॉब कहते हैं, ये इस साइड वाला फिक्स जॉब होता है, ये जॉब प्लेट्स है जिसको हम मजबूती से पकड़ कर रखता है, ये स्पिंडल है, स्पिंडल का ये हैंडल है, बाकी ये पोल्स फॉर क्लैंपिंग है और ये बेस होता है। आप जो फिक्स जॉब मूवेबल जो है वो कास्ट आयरन का बना होता है, इसके बाद जॉब प्लेट जो है हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और स्पिंडल जो है वो माइल्ड स्टील का बना होता है।